हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आज की वीडियो में आप लोग को पता ही है, थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में ना हम इंडिपेंडेंस डे क्राफ्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बनाया है सब इंडिपेंडेंस डे के लिए एक्सेसरीज है। और ऐसा नहीं है कि बस इंडिपेंडेंस डे के लिए ही एक्सेसरीज है, यू कैन ऑल्सो वेयर इट ऑन रिपब्लिक डे ऑल्सो, और कोई भी नेशनल फेस्टिवल आप पहन सकते हो। क्योंकि जितने भी एक्सेसरीज हमने इसमें बनाए हैं वो सारे के सारे ट्राई कलर में है, क्योंकि बेसिकली हमें इंडिपेंडेंस डे के लिए ही क्राफ्ट करना है। सो अब मैं क्या बताऊँ, मेरे रूम का सेटअप अभी तक हो नहीं पाया है, लाइटिंग का काम बस बाकी है, इसलिए मैं ये वाला सेटअप में कर रही हूँ। अब ये नेचुरल सेटअप आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, इस वीडियो में जितने भी एक्सेसरीज बनाया है उन सभी को देखो और कमेंट करना अपना बेस्ट पार्ट, मतलब आपका सबसे बेस्ट वाला एक्सेसरीज आपको कौन सा लगा। एंड वॉट, वीडियो को देख लो उसके बाद कमेंट करना। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर वन क्राफ्ट के साथ। तो क्या आपको याद है कि ये वाले हेयर बैंड हमने बनाया था स्टार वाले, तो चलो इसी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं टू अ वेरी ब्यूटीफुल हेयर बैंड फॉर इंडिपेंडेंस डे और फिर एनी नेशनल फेस्टिवल, क्योंकि किसी भी नेशनल फेस्टिवल एज रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे दोनों में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हेयर बैंड में हमने व्हाइट रिबन लपेट रखा था वो रिबन तो व्हाइट रहेगा ही, और इसमें से हम स्टार्स को हटा देंगे। उसके बाद हमें लेना है तीन कलर्स के पेपर एज सैफ्रन, व्हाइट एंड ग्रीन, और उसके बाद हम इसे फ्लावर्स कट करेंगे। तो देखो फ्लावर्स कट करने के प्रोसेस को मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया है, तो अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो को देखो और पूरा समझना। और हाँ, ये भी नोटिस करना कि ये स्टार्स अपने अपने क्यों हिल रहा था। तो फ्लावर्स बनाने के लिए ना सबसे पहले पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना, वीडियो को बैक करके देख लो, और फिर फोल्ड किए हुए प्लेस से हम कट करेंगे। हाँ, इतना ध्यान रखना ना कि हमें दो कलर से चार चार फ्लावर्स ही बनाने हैं। पता नहीं क्यों मैंने कट करके इतने सारे बना लिए थे, तो कुछ को तो हम इस वीडियो में यूज कर लेंगे और जो बच जाएंगे ना उनका हम कोई और क्राफ्ट में यूज करेंगे। तो पेपर को कट करने के बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करते जाना है, सबसे पहले ट्रायंगुलर करके, फिर एक और फोल्ड, फिर एक और फोल्ड, और उसके बाद इस तरीके से गोलाई में ऊपर से हम कट करेंगे। फिर जब हम इसे खोलेंगे तो ये इस तरीके का फ्लावर का शेप बनेगा। आप वीडियो को ध्यान से देखो, आपको सारा प्रोसेस पता चलेगा, क्योंकि एक भी स्टेप मैंने कट नहीं किया है। अब इतने सारे फ्लावर्स बनने के बाद ये तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, सच्ची बता रही हूँ। अब देखो आगे के प्रोसेस को मैं बता रही हूँ। एक फ्लावर में से एक पेटल को ऐसे कट करके बाहर निकालेंगे और उसके बाद इस तरीके से चिपका देंगे एक के ऊपर एक पंखुड़ी रख के, और फिर इस दूसरे वाले में से दो पेटल बाहर निकालेंगे और फिर उसमें भी ग्लू लगा करके इस तरीके से एक के ऊपर एक रख करके चिपका देंगे। अब इतना काम करने के बाद हमें दूसरा पेटल लेना है और उसमें से ना हम तीन पंखुड़ी कट करके बाहर निकालेंगे और फिर इसे भी एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से ग्लू से पेस्ट कर देंगे। और फिर फोर्थ वाले में हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, लेकिन उसमें हम चार पंखुड़ी को कट करके बाहर निकालेंगे और फिर एक के ऊपर एक रख करके पेस्ट करेंगे। अभी आपको वीडियो में ये दिखने वाला है, एक दो तीन चार पंखुड़ी को हम कट करेंगे और फिर एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। तो बस इस तरीके से हम चार फ्लावर बना लेंगे और उसके बाद सीजर की हेल्प से हमें इनके पंखुड़ियों को, जो चिपकाए हुए पंखुड़ी हैं, उनको इस तरीके का शेप देना है, मतलब पीछे साइड थोड़ा सा झुकाना है, सो दैट कि ये बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर लगे। और चारों फ्लावर में ना हमें सेम प्रोसेस ही करना है। तो जब ये चारों फ्लावर्स की पंखुड़ियों को हम इस तरीके का शेप दे देंगे, उसके बाद इन एक के ऊपर एक एक रख के हमें इस तरीके से चिपका देना है, मतलब एक के ऊपर एक रख करके हमें चिपका देना है इसे, और ये चिपक जाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा रोज फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा। ध्यान रहे कि जो भी फ्लावर हम इसमें पेस्ट करेंगे ना वो बीच में हमें ग्लू लगाना है, साइड साइड में ग्लू मत लगाना, क्योंकि बीच में अगर हम ग्लू लगाएंगे तभी साइड साइड में पंखुड़ी उठे हुए जैसे लगेंगे, और यदि हम साइड में भी ग्लू लगाएंगे तो साइड साइड से ये पंखुड़ी उठे हुए नहीं लगेंगे, मतलब ये चिपक जाएंगे एक दूसरे में, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये अब हमारा रूस बनके बहुत ही प्यारा सा रेडी हो चुका है और ये हम तीनों कलर का बना लेंगे, जो कि बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो इसी बात पे ये बता दूं कि आपको कौन से कलर का रोज सबसे ज्यादा पसंद है। अब रोज बन जाने के बाद इसमें हम करेंगे दो छोटे छोटे छेद और उसमें हम डालेंगे ऊन का छोटा सा टुकड़ा, और ये ऊन का टुकड़ा के हेल्प से ही हम इसमें इस रोज को अटैच करने वाले हैं हेयर बैंड में, क्योंकि ये ऐसे ही बस मेरे से नहीं हो रहा था, क्योंकि उतना स्ट्रांग ग्लू मेरा नहीं था, इसलिए मैंने ऊन का सहारा लिया और इस तरीके से इसमें तीनों फ्लावर्स को अटैच किया है। तो दोनों साइड से दोनों छेद में हमने ऊन को डाला था, इस तरीके से लपेट के हम इसमें बांध देंगे, और बांधने के बाद जो टुकड़ा बच जाएगा ना उसे फिर से ऊन, मतलब वही छेद से ऊपर कर देंगे ताकि ये भरा भरा लगे, और बीच में ना मैंने थोड़ा सा पर्ल्स यूज किया है ताकि ये बहुत खूबसूरत सा लुक लगे। तो ये अब हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, अब मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, बताना ये आपको कैसा लगा एंड कमेंट जरूर कर।
तो चलिए अब शुरू करते हैं क्राफ्ट नंबर टू। और इसमें जो फ्लावर्स हमने बनाए, मतलब जो ये हेयर बैंड बनाया, उसमें जो पेपर बच गए थे उसी पेपर का हम यूज करने वाले हैं। पहले तो हमने जो रेक्टेंगुलर हमने कट किया था पेपर को, उसी में से इस तरीके का एक ही विड्थ के पेपर को कट किया है। तो बात का मतलब ये है कि जितना भी पेपर हमारे पास रह गया था रेक्टेंगुलर शेप में, उसमें से हम बराबर बराबर चौड़ाई वाले कट करके पीसेस को निकालेंगे और उसके बाद उसे इस तरीके से रोल ऑन करके बीड्स बनाएंगे। तो व्हाइट वाले से हमने 10 बीड्स बनाए, सैफ्रन वाले से भी 10 बीड्स बनाए, ग्रीन वाले से भी हम 10 बीड्स बनाएंगे। और ये बीड्स बनाने के बाद हम इनसे बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट। तो मेरी कलाई के अनुसार मुझे 10-10 बीड्स की आवश्यकता पड़ी है। आपको ज़्यादा की भी आवश्यकता पड़ सकती है या कम की भी आवश्यकता पड़ सकती है, ये आपको देखना है। तो बीड्स हमारे बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप देख लो कि मैंने इतने सारे बीड्स बनाए हैं। अब हमें लेना है ऊन, तो हम एक ऊन लेंगे और इसे फिर इस तरीके से कट करके इसे डबल पार्ट में करेंगे और फिर हम इसमें टाई करेंगे एक नॉट और उसके बाद हम इसमें बीड्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो बीड्स डालने के प्रोसेस का मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो तो मैंने ऑलरेडी सबका बना रखा है, बट फिर से देख लो। इस तरीके से बीड लेना है और एक साइड से एक धागा डालना है और दूसरे साइड से दूसरा धागा डालना है। अब हमारा धागा इतना मोटा था कि इसमें जा नहीं रहा था, इसलिए मैंने सेफ्टी पिन का हेल्प लिया है। आप भी इसमें सेफ्टी पिन का हेल्प ले सकते हो क्योंकि इस ऊन में रैशेस होते हैं। और हाँ, ध्यान रहे कि जो धागा आप लोगे वो 2 मीटर का होना चाहिए। फिर दोनों को फोल्ड करके बीच में कट करोगे तो 1-1 मीटर का होगा, क्योंकि बीच में मेरा घट गया था, बाद में मुझे इसमें धागा को और ऐड करना पड़ा था। इससे अच्छा है कि आप एक ही बार में ज्यादा धागा लो। तो ऐसे ही करते करते हम इसमें से 10 सैफ्रॉन के, 10 व्हाइट के और 10 ग्रीन के धागे, मतलब ग्रीन के बीड्स को इसमें इस तरीके से डालते जाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखना ना कि जो भी बीड्स आप इसमें डाल रहे हो सबका लेंथ सेम होना चाहिए। तो सेम ही लेंथ कट करना पेपर का, तभी ये सेम बनेगा। बीच में मेरा व्हाइट का घट गया था तो 2 छोटे छोटे हो गए, बट मैं तो उसे इग्नोर कर रही हूँ, बट आप मत करना, अदरवाइज लुक खराब हो जाता है। और लास्ट में हम नॉट टाई करेंगे, उसके बाद दोनों एंड को मिला करके इसमें हम एक और बीड और डालेंगे ताकि ये अच्छा सा लॉक बन जाए। अब यहाँ पे धागा थोड़ा बड़ा होता तो और ज्यादा प्यारा लगता, इसलिए आप थोड़ा सा धागा ना अपने साइज के अनुसार ही रखना। नाउ ट्राई कलर ब्रेसलेट इज फुल्ली रेडी। तो चलो शुरू करते हैं क्राफ्ट नंबर 3। और इसके लिए तो हमें चाहिए पुराने मॉइस्चराइजर का डब्बा। अब पता नहीं मुझे कि ये अंदर में किसने चिपका के रखा है, क्योंकि मैंने तो बस ऊपर में ही चिपका हुआ देखा था। मे बी ये काम नंदू का हो सकता है। उसके शरारतों को इग्नोर करो और अब इसमें हम करेंगे कलर। तो हमें चाहिए इसमें सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, क्योंकि आज का क्राफ्ट तो इंडिपेंडेंस डे के लिए है ना। ऊपर में हम सैफ्रॉन कलर को अच्छे से पेंट कर देंगे, साइड में भी हमें करना है ताकि ये व्हाइट ना लगे, और फिर नीचे में हम ग्रीन कलर से पेंट करेंगे। तो ग्रीन कलर को भी हमें बहुत ही अच्छे से पेंट करना है और साइड में इसे भी पेंट करना है। और ध्यान रहे कि बीच में हम व्हाइट कलर से पेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये डब्बा एज इट इज व्हाइट है और व्हाइट पेंट भी नहीं है हमारे पास जो कि अच्छे से हो। और उसके बाद लेट इट ड्राई, और सूख जाने के बाद हम इसमें पेस्ट करने वाले हैं ये हाफ कट बीड्स, ताकि इसका लुक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एंड प्रीमियम सा आए। तो सबसे पहले हमें इसके बॉर्डर पे ग्लू लगा लेना है और उसके बाद एक एक करके इन बीड्स का इन ग्लू के साथ मिलन करवाते जाना है और इस तरीके से एक एक करके उठा उठा के इसमें रखते जाना है। तो जैसे ही ये बीड्स हमारा सारा चिपक के रेडी हो जाएगा, ये ऐसा लगेगा देखने में। तो लेट इट ड्राई और उसके बाद हम इसमें सेफ्टी पिन अटैच करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हम इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से ही लगा सकते हैं। तो सेफ्टी पिन अटैच करेंगे हम इसमें वॉल सेलो टेप की हेल्प से। तो वॉल सेलो टेप की हेल्प से हम सेफ्टी पिन इसमें रख के इस तरीके से पेस्ट कर देंगे और ये हमारा बिल्कुल रेडी है। बस इसमें हमें चाहिए चक्र बनाना। तो चक्र बनाने के लिए मैंने ब्लू कलर का, मतलब ब्लू कलर के स्केच पेन का यूज किया। ऑब्वियसली ये परमानेंट तो नहीं है, बट लगाने के बाद मतलब थोड़े टाइम के लिए ये रह सकता है। तो ये मैंने चक्र बना दिया है और अब मैं इसे आपको लगा के दिखाती हूँ कि ये कैसा लगा है। और ये हमारा बहुत ही प्रीमियम सा ब्रोच बन के तैयार है। तो तीनों ही क्राफ्ट हमारे बहुत अच्छे एंड इजी वे में है, तो बनाना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।